यहाँ पर एक बहुत पुराना घर है जो कि लकड़ी से बना हुआ है। अंकल जी ये कितना पुराना घर है? ये 80 साल का है। इसने बना उसकी तस्वीर भी ऊपर है। अच्छा अच्छा जी, लकड़ी की सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। अंदर से आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है। एक मंजिल इसकी ये है और इसे टोटल 6 मंजिला हैं अंकल बता रहे हैं। ये जी इसकी दूसरी मंजिल है। तो ये पांचवी मंजिल है, इंडिया की। ये शल लगे हैं इसमें, ये वो पर जो सुराख हैं, ये सुराख हैं, सब शल आए हैं इंडिया की। ये इनका लकड़ी का बॉक्स है, जैसे हमारे पेटी होती है, इसमें चावल निकलते हैं। ये हाँ, ये इधर के हैं, ये अपने हमारे घर के होते हैं। अच्छा अच्छा, ये आपने चोना स्टोर किया हुआ? हाँ 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 हाँ। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है। यहाँ सर्दियों में कैसी गुजरती है आपकी ज़िंदगी? बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। मुश्किलात तो होती हैं कुछ? नहीं, कोई मुश्किलात नहीं, ये बैठ के खाते हैं बस। और लकड़ी वगैरह का सारा इंतजाम सब स्टॉक ही होता है, सब खाने का पीने का सब लकड़ी का। सर्दियों स्टॉक होता है। काम शाम भी चलते रहते हैं या बस सर्दियों में गर्मी रहते हैं ज़्यादा? काम शाम ये हमारी है जो चक्की छक्की वाला, बाकी जो बैठे वो बैठे होते हैं, जो जिम्मेदार लोग रहते हैं बस, बाकी बैठ के बस दिन में बाजार में आगे पीछे घूमते हैं शाम। ये मकामी तौर पर यहाँ पर एक सब्जी होती है कड़म, उसका ये अचार है। अचार अभी ये मकई की रोटी के साथ खाएंगे हम। अखरोट को कूट के उसकी चटनी बनाई है और साथ में मकई की रोटी है। वथायो मेरा जो गुड़ करो ताजो पनीर राजो सहरा गई। सुहेल भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये शादी में गाया जाता है दूल्हे के लिए। दूल्हे को कहते हैं कि वो पुराने दौर में घोड़ों का इस्तेमाल हुआ करता था, वो घोड़े के लिए उसको कहते हैं वथायो मेराजो, उठ जाओ घोड़ा तैयार कर जाओ और लेट हो गए हैं आप, दस्ती वहाँ पे पहुँचे हैं दुल्हन के घर में। अच्छा, ये वो गाना है उसके लिए। ये यहाँ का मकामी पार्क है जो कि घने जंगल के अंदर बनाया गया है। ये बच्चे यहाँ पर स्कूल जा रहे हैं अभी बर्फबारी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा आप? कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो बर्फबारी में? छुट्टियाँ नहीं हुई? नहीं। क्या नाम है आपका? मारिया। यहाँ से कितने मिनट लगेंगे पैदल आपको जाने में? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट का इनका फासला है और यहाँ से ये पैदल स्कूल को जाएंगे। अभी यहाँ पर इस तरह से लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये सामने ये पूरे का जो पूरा घर है ये लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ पर बिजली मौजूद है क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ती है
वो पिघलती है, उसके पानी से यहाँ पर टरबाइनें लगी हुई हैं वो बिजली पैदा करती हैं। लेकिन आजकल सर्दी के दिनों में क्योंकि ज़्यादा पानी जम जाता है तो इसलिए यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग होती है। वालेकुम सलाम। ये छोटा मुन्ना बच्चा भी स्कूल जा रहा है बड़े बड़े बूट पहन के। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये सरकारी स्कूल है यहाँ पर। कैसे आप खरीद से ये बच्चे हैं यहाँ पर स्टूडेंट। ये यहाँ की स्कूल की बिल्डिंग है। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ लिपा वैली में। ये नोकोट विलेज है और इस टाइम मैं मौजूद हूँ यहाँ के हाई स्कूल में और मेरे साथ यहाँ के मोहतरम प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड नेम सर? मेरा नाम बशीर आलम मुगल है और मैं सदारा में प्रिंसिपल हूँ अरसा एक साल से। तो सर अभी लाइव स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर, क्या सिचुएशन है? स्ट्रेंथ की पूरी है या कोई कमी बेशी होती है आम दिनों के हवाले से? हाँ आजकल थोड़ा इश्यू होता है क्योंकि बच्चे दूर दराज से आते हैं। जो बड़े बच्चे हैं 9th-10th क्लास के वो तो उनकी हाजिरी पूरी होती है। छोटी क्लासेस में थोड़ा इशू होता है, वो बच्चे प्राइमरी सेक्शन में वो दूर से चल के बर्फ़ में नहीं आ सकते, हाजिरी में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारा इम्तहान जो है फाइनल वो करीब या सर पे है तो 10 से वो उसने शुरू करना है हमने, तो इसलिए हाजिरी में इस तरह की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो सर आपका जो सेशन है वो कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है? हमारा सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है जी जी, तो ये जाके फिर मार्च में ख़त्म हो जाता है 1 मार्च से। इस साल हमारा सेशन पीछे आया क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से सेशन मुतासर हुए थे, तो अब गवर्नमेंट ने और डिपार्टमेंट ने इसको दोबारा अपने उसी टाइम पे कर दिया। इस बार हमारा सेशन जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट होगा। ये हम 1 मार्च से पहले पहले ही रिज़ल्ट तकरीब का इनका करके बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर देंगे। तो यहाँ पर छुट्टियाँ जो होती हैं वो सर्दियों में होती हैं या गर्मियों में होती हैं? यहाँ पर छुट्टियाँ, ये गर्मा स्टेशन है, यहाँ पे जो 2 माह की छुट्टियाँ होती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से वो गर्मियों में होती हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में अक्सर लोग पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं ढोकों में, तो इसलिए वो बच्चे ढोकों में शिफ्ट हो जाते हैं, तो गर्मियों में फिर हाजिरी उस तरह नहीं होती है, तो गर्मियों में छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं। अच्छा सर, जब यहाँ पर सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो कितनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है? अब पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब कुछ चंद सालों से ये कम हो गया है, यानी वैली के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 फुट तक जाती है, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन पहाड़ों पे ये 12-14-15 फुट से भी ज़्यादा होती है। अच्छा, और यहाँ पर कितने मतलब असातिज़ा हैं, जो तदरीसी अमला है वो कितना आपको आपके पास अवेलेबल है? यहाँ पर जो तलबा की तादाद है वो 330 है नर्सरी से लेकर दाम तक, और जो टीचिंग स्टाफ है वो 21 है बशमूल मेरे और 4 दर्जे 4 रंग के मुलाजिम भी हैं। ठीक, तो सर यहाँ पर आपको कोई मुश्किलात का सामना हो? मुश्किलात तो ज़िंदगी में लगी रहती हैं, लेकिन मुश्किलात के साथ जीना हमने सीख लिया है, क्योंकि जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं हमने उन्हीं के अंदर रहना सीख लिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि यह है कि हमारा अदारा बहुत सारे अदारों से फिर भी अच्छी हालत में है। यहाँ हमारे पास क्लासरूम्स हैं, बेशक हमने अपनी मदद आपके तहत बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, हम अपना निज़ाम चला रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। हाँ, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के होनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजमी है। तो हमने भी ये सोच लिया कि ये बर्फ़, ये बारिश, ये बहार, ये सारे मौसम हमारे लिए हैं, तो हमने हर मौसम को अपने मुताबिक उस मौसम के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया है। अब हम हर मौसम को एंजॉय करते हैं और ज़िंदगी को सुकून से गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लिपा के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो बहुत आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई है, यानी बाकी तहसीलों से अज़ला से अगर हम मुवाजना करें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और जो भी इम्तहान होता है स्टेट लेवल के ऊपर PSC हो तो उसमें हमारे बच्चे जो इस वैली के हैं वो नुमाया रहते हैं।
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है स्टूडेंट्स के लिए भी। जी हाँ, ये इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है कि क्लास में स्टडी हो सके, क्योंकि बहुत शदीद सर्दी है इस वक्त, कल से शुरू हुई है। तो लकड़ियाँ बच्चे घर से लाते हैं और यहाँ जलाते हैं। ये अंगीठी जो है ये स्कूल ने प्रोवाइड की है। तो इस तरह ये पूरे 6 घंटे का हमारा जो है तदरीसी सिलसिला जारी रहता है। ए अल्लाह, तेरी ज़ात सबसे बेहतरीन मुअल्लिम है, उस्ताद है। यहाँ पर एक चीज पेपर हो रहा है इनका। माशाल्लाह आज आपकी हाजिरी मुझे पूरी लग रही है कि आप सारे बच्चे आज क्लास में मौजूद हैं। जी सर। आपको पता है कि आपका इम्तिहान सर पे है। जी सर। और आपने भरपूर तैयारी करनी है ताकि आप अगली क्लास में जा सकें। इंशाल्लाह जरूर। चलने वाले निकल गए, जो ठहरे जरा कुचल गए। अब आप में से जो बच्चा अपनी रफ्तार में सुस्ती करेगा, काहली करेगा, तो वो बच्चा कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा, वो अपने टारगेट पे नहीं पहुंच सकेगा। जो लोग वक्त का ख्याल रखते हैं वो कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने वक्त को भरपूर तरीके से यानी सूदमंद बनाएंगे अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने इम्तहान की तैयारी के लिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें, अगली क्लास में जा सकें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मकान में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप, खैरियत से हो? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा बेटा, कैसी पढ़ाई हो रही है आपकी? जी बहुत ही बेहतरीन हो रही है। पेपरों की तैयारी अच्छी हो रही है? जी इंशाल्लाह। कब है पेपर आपके? जी ये 8 तारीख को। यहाँ पे स्कूल में आपको स्टडी वगैरह बाकी सहूलियात ठीक है सब कुछ? जी ठीक ठाक। यहाँ पर बायोमेट्रिक जो है सिस्टम यूज़ किया जाता है अटेंडेंस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सर। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने दूर से हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो हम आपको दिल की थाक राइयों से कोई खामदेद भी कहते हैं, और हम आपकी आपकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि आप इसी तरह बख़ैर वफ़ीत वापस अपने घर पर पहुँच सकें। बर्फ़बारी का मौसम है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। एक बार फिर मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ये देखें, छतों पर बर्फ़ पड़ी हुई है और ये भाई इस तरह उतार रहे हैं। क्या हाल है सर आपका? तबीयतें ठीक हैं? सब कुछ ठीक ठाक है? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बर्फ़ उतार रहे हैं? जी जी। अच्छा, ये लकड़ी की छत है ये देखें जी सर, ये इसलिए इनको बर्फ़ उतारनी पड़ रही है जी सर। अदरवाइज ये अभी ज़्यादातर लोहे की छत बनाते हैं, जिसमें से अगर थोड़ी सी धूप लगे तो खुद ब खुद बर्फ़ जो है वो उतर आती है। चक्कर। अच्छा, ये जो छत है, ये कमरा है, ये आपने माल और जानवरों के लिए रखा हुआ है जी। जो आपका अपने रहने का साथ वो आपने लोहे की छत बनाई जी, जी। ये चेक करें, इधर सामने जो है काफी ज्यादा बादल आए हुए हैं और बर्फबारी हो रही है ना पहाड़ों पर जी जी। हाँ जी, कश्मीर में अभी बना रहे हैं वाजवान, और मकामी तौर पे इसे गुस्ताफा भी बोलते हैं। अभी इसमें हम चर्बी ऐड करेंगे, ये डाल के अभी इसको और कूटेंगे चर्बी के साथ, चर्बी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए ऐसे ही। अब इसमें हम डालने वाले मसाले, ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया है।
लाल मिर्च पिसा हुआ धनिया जी सर, ये हमारे पेड़े हमने तैयार कर दिए हैं, अभी इनको पहले करेंगे बॉइल करेंगे गर्म पानी में अच्छी तरीके से। ये हमारे हो गए अभी तैयार, इसको अभी कर रहे हैं हम बॉइल। ये यहाँ के मकामी रेड चावल हैं जी। सहेल भाई, ये कैसे खाते हैं फिर आप? ज़्यादातर जब हम ऐसी बारिश वारिश हो, कोई ऐसा मसला हो, ठंड हो, उसमें हम जड़ी बूटी बनाते हैं, देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। देसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो हमने निकाल के पहले रखी थी, उनको सही अच्छे से उबाल के उनका अरक निकाल के उसमें ये डाल के उसमें देसी घी डाल के खाते हैं। कितने पे कैसे हैं ना से नत्रों वास्ते जी सर? ये हम अभी कावा बना रहे हैं, ये कावा पे अभी इसमें कावे का सामान मसाला वगैरह डाल रहा हूँ, उसमें देसी जड़ी बूटियों वाला भी थोड़ा सा ऐड करूँगा, और कब आप पियेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और इधर हमारे जो चावल हैं यहाँ के रेड चावल, वो बॉयल हो रहे हैं, यहाँ के मकामी रेड चावल, और ये साथ में वाजवान भी तैयार है, अभी इसको ट्राई करते हैं। ये हमारा कावा जो है ये तैयार है, अब इसको इसमें डालेंगे। ये इसके अंदर ना जो कावा है वो डाल दिया, अब इसको बंद करके इसके अंदर कोयले डालेंगे। कश्मीरी कावा यहाँ पर इस टाइम -22 टेम्परेचर है,
यहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो इस तरह से जानवरों के लिए चारा स्टोर करते हैं। ये देखें, जितनी चारे की ज़रूरत होती है वो नीचे स्टोर कर लेते हैं, और बाकी जो ज़्यादा होता है उसको इस तरह से ना ये ज़मीन से थोड़ा ऊपर स्टोर करते हैं, ताकि ये बारिश से या बर्फ़ से गीला ना हो और इसका जो पानी है वो जल्द खुश्क हो सके। ये यहाँ का चनिया विलेज है और ये इसका बाज़ार है। यहाँ पर यहाँ पर हमें एंट्री करवानी पड़ेगी। ये देखिए बाज़ार में कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। बच्चे ठीक है? खैर आफियत है? अपना ये दसो जी का कुछ क्या ले जना? कसम सर खैरियत से ठीक है। राशि ये शॉप है। जो ज़्यादा शॉप्स हैं वो सर्दी की वजह से बंद हैं। ये देखें ऊपर ये सूरत हाल बनी हुई है। इस वजह से सर्दी ज़्यादा है तो लोग घरों में हैं। हम काम कर रहे हैं और यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। एक शॉप है, यहाँ पर आग जलाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें थोड़ा सब्जियों के रेट पर बताइए, यहाँ पर क्या है सब्जियों के रेट? टमाटर 180 रुपये किलो मिल रहा है। थोड़ा सा हमें दिखाएं भी। आलू क्या रेट है? आलू 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो। सब्ज मर्च 80 रुपये पाओ। 80 रुपये पाओ। टमाटर 180 रुपये किलो। 180 रुपये किलो टमाटर जी। प्याज 200 रुपये। प्याज 200 रुपये किलो। किन्नू जो है वही 200 रुपये। 200 रुपये दर्जन है। ठीक है। अदरक है 200 रुपये पाओ है। ठीक है। सेब 200 रुपये किलो है। ठीक है। और मछली? मछली 450 रुपये। गाजरें? गाजरें 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। ठीक है। और गोभी? गोभी 150। ठीक है। इसके अलावा शलजम? शलजम 80 रुपये। कड़म? कड़म चले 50 रुपये। 50 रुपये। और भी कोई सब्जी होती है? अभी तो शाटन रोड बंद है। मकामी सब्जी यहाँ पर कौन कौन सी होती है? मकामी सब्जी अभी 10वें महीने में होती है, आजकल तो नहीं है। 10वें महीने लोबिया की दाल इधर होती है सबसे ज़्यादा। कड़म होती है, मूली होती है, गाजरें होती हैं, यानी कि सब सब्जियाँ होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अभी जैसे कि रोड बंद है 10 दिन से, तो सब्जी आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, सब्जी नहीं आ रही। नहीं आ रही सब्जी? नहीं आ रही। रोड खुलेगी तो फिर होगा। सही। तो जब आपको पता है कि बर्फबारी होने वाली है तो आप थोड़ी एक्स्ट्रा सब्जी ले लेते हैं? जी, एक्स्ट्रा सब्जी, ताकि जो 8-10 दिन हैं या जितने भी हैं। बिल्कुल। हम जब आप आए थे उस दिन, एक दिन पहले में आए थे, बर्फ जब शुरू हुई थी एक दिन पहले में पहुंचा था, हमें पता था वो बर्फ। हमें आज 10 दिन हो गए पूरे। 10 दिन हमें भी 10 दिन हो गए सब्जी। तो अभी मज़ीद 2-3 दिन लगेंगे रोड खुलने में। जी जी। तो यहाँ पर किन्नू जो हैं वो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, 200 रुपये दर्जन। ये बर्तन तांबे का? तांबे का बर्तन। अच्छा अच्छा। ये काफ़ी अर्से पहले गया, 1984 में मेरे वाले साहब जो है ना उन्होंने लाया था। ये जी देखें, यहाँ पर अंकल बैठे हुए हैं। अंकल जी कैसे हैं आप? माशुक्र। तबीयत ठीक है आपकी? आपका नाम? अब्दुर्रहूफ। जब यहाँ पर गोलाबारी होती थी तब? गोलाबारी इससे पहले 6 साल होती सी, लोग छपते से, किसी बैंकर होना सी, किसी मकाना में छप जुलते से, कोई जख्मी हो जुलते से, कोई जनाब मेरा अपना बच्चा एक शहीद हो गया इस मुने बताया। अच्छा। इस सन 96 में, तो उस तो बाद 6 साल हो गए मेरा लफाज नहीं होया ना। 6 साल अमन इंडियन की तरफ से गोलाबारी हुई है उसमें आपका बेटा शहीद हुआ है? हाँ, इंडिया की तरफ से गोलाबारी हुई है, मेरा बेटा शहीद हो गया। 16 साल उम्र सी बेटे। बहुत अफसोस हुआ। ये दुकान मेरी जख्मी हुई, छत मेरी ख़त्म हो गई सी, फिर नई छत लाई। और ये सामने पहाड़ों से पानी आ रहा है और इस तरफ से इस पानी को इकट्ठा करके
यहाँ पर चक्कियाँ चलाई जाती हैं जिससे मकई की पिसाई होती है और चावल जो है वो निकाले जाते हैं। इस पानी को इस तरह से चक्की के अंदर लेके जाया जा रहा है। इधर ये छक्की लगी हुई है। तो अगर आटा मोटा पीसना हो जैसा भैंसों के खाने के लिए तो फिर ये पासा ज्यादा उठाना पड़ता है। चक्की ऊपर हो जाती है, वो नीचे से जो है ना वो बाहर निकालती है, जो भंडा नहीं होता। अब आलू के खाने के लिए भंडा, वो भंडे की तरह जाल पहले रख ले, हम बारीक निकालते हैं इसलिए कि ये इंसान के खाने के लिए है। और ये पानी नीचे से ये यहाँ की शॉप है, ये आपको दिखाते हैं। और इस तरह से ये लोकल गुड नेम सर आपका, यहाँ पर जरूरियात की सारी चीजें मयसर है, बस हो जाती है मैसर। कभी कभी रोड की वजह से मसला बनता है, बाकी कोशिश होती है कि मैसर हो जाए। अच्छा। कुछ आवाम को सहूलत मिल जाए इसकी। सही। गर्मियों में इन खेतों में मकई या चावल की काश्त होती है और सर्दियों में इस तरह बर्फ़ पड़ी होती है। ये आर्मी का मोर्चा बना हुआ है, यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर की हदूद है वो ख़त्म हो जाती है, इससे आगे मकबूजा कश्मीर का एरिया शुरू हो जाता है। ये आज़ाद कश्मीर का आखिरी गांव है और ये सामने जो पहाड़ी है इधर मकबूजा कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। ये बंकर आपको अंदर से दिखाते हैं। ये सामने बर्फ़ का तूफ़ान आ रहा है, कितनी ज़्यादा धुंध हो गई है और बर्फ़बारी में भी इजाफा हो गया है। ये जो लकड़ी की चारदीवारी है, गर्मियों में यहाँ पर सब्ज़ी काश्त की जाती है और सर्दियों में सिर्फ बर्फ नज़र आ रही है। आज़ीन ये देखें, जो खाल का पानी है वो भी जम चुका है। फ्रेंड्स, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको समावार कहते हैं और ये बेसिकली एक थर्मास है, एक चैनक है जिसमें कावे को गर्म रखा जाता है। यहाँ पर कावा डाला जाता है और इधर कोयले डाले जाते हैं ताकि जो कावा है इसके अंदर वो ज़्यादा देर तक गर्म रहे। इसको फिर इस तरह बंद कर देते हैं और इसमें जो कावा है वो तकरीबन जब तक आप कोयले डालते रहेंगे तब तक इसमें गर्म रहता है। एक बार अगर कोयले डाल दें तो तकरीबन ये 3 घंटे से 4 घंटे तक ये गर्म रहता है। और ये जो सुराख देख रहे हैं यहाँ से अंगारों को हवा जाती है जिसकी वजह से अंगारे जो हैं कोयले हैं
वो बुझते नहीं हैं और ज़्यादा देर तक जलते रहते हैं। तो ये जी इसे समावार कहते हैं। ये तकरीबन 150 साल पुराना है और ये तांबे और पीतल से मिलकर बना है। ये जी यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, आपको दिखाते हैं। ये सारी लकड़ी की बनी हुई और यहाँ पर ये अंगीठी का भी इंतज़ाम है ताकि अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो गर्म रहे। ये दरवाज़ा जो है ये भी लकड़ी का। यहाँ पर पानी बिल्कुल जम चुका है और बर्फ़ को पिघला कर पानी बनाया जा रहा है। अभी ना यहाँ पर पीने के लिए पानी है और ना मुंह धोने के लिए, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और पानी पाइपों में जम चुका है। ये रोड है यहाँ पर जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन अभी ये देखें ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है बर्फ़ की वजह से। यहाँ पर ये बहुत घना जंगल है। इस जंगल में ख़तरनाक जानवर भी होते हैं जी सर। यहाँ पे हर किस्म के खूनखार जानवर भी हैं, शेर चीते हैं और रीछ हैं, बर्फ़ानी रीछ हैं हर किस्म के। और दूसरा यहाँ पर कौन कौन से दरख्त हैं? दरख्त यहाँ पे देवदार है, हम उसको ब्याड़ कहते हैं, दूसरी को ब्याड़, आप तो उसमें चीड़ कहते हैं, चीड़ की तरह होती है। उसके बाद फर है, तूंग छछर भी हैं, पुरुंगी भी हर किस्म के हैं। तो ये कितना बड़ा जंगल है? ये हम जो जहाँ पे आप खड़े हैं ये इसके पीछे बिल्कुल इंडिया है। ये जंगल आधा इंडिया में है और आधा पाकिस्तान के हदूद में है। ये दियार का दरख्त है ये वाला। अच्छा अच्छा, ये वाला जो है ये ब्याड़ का, जिसको हम ब्याड़ कहते हैं, ये वाला ये ब्याड़ का दरख्त है। कायल का, कायल का, आप कायल कहते हैं, हम ब्याड़ कहते हैं इसको। तो एक गांव है हमारा यानी बण, उसका नाम है यानी बण। अच्छा, वो पूरा गांव का गांव उसमें बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था, लोग वहाँ पे फौत हो गए थे, शातें हो गई थी इस बर्फ की ज्यादा पड़ने की वजह से। कितने बंदे उसमें थे? वो तकरीबन मेरा ख्याल में 1000 से ज्यादा ऊपर बंदे थे। बच गए थे या नहीं? नहीं, वो सब खत्म हो गए थे, पूरा गाँव का गाँव खत्म हो गया था, एक घर भी नहीं बचा उसमें से। ये बड़ा सैड वाकया जी। यहाँ पर ये देखें, अभी ये देखें ऊपर से, इस तरह से जो है ना दरख्तों से जो है बर्फ़ गिरती है और पहाड़ों से फिर बर्फ़ गिरती है। अभी क्योंकि स्नोफॉल जो है वो बंद हो गई है, तो ये देखें पीछे धूप निकली हुई है। जब धूप निकलती है तो बर्फ़ जो है पिघलना शुरू हो जाती है और नरम हो के फिर जो इसके तोदे हैं वो नीचे गिरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम तजम्मल। अच्छा, ये इधर मेकअप किया है या वैसे सर्दी की वजह से? सर्दी की वजह से। गर्मियों में भी ऐसे ही होता है जी? अच्छा, सर्दी ज़्यादा पड़ती ना यहाँ पर जी। ये कश्मीर की गलियाँ हैं।
बच्चे खेल रहे। एक इधर भी निशाना लगाओ हाथ पे। ये निशाना लग गया। यहाँ पर सारे जो घर हैं वो लकड़ी से बने हैं, क्योंकि यहाँ पर जंगल है काफ़ी बड़ा और लकड़ी यहाँ पर वाफर मकदार में अवेलेबल है। ये देखें कितनी पुरानी तर्ज का ये घर है। यहाँ पर गाड़ियों की सूरत हाल ये हुई खड़ी। कितनी जो बर्फ है ये जमी हुई है और ये चेक करें। हाँ ये यहाँ पर पहले हॉस्पिटल होता था, अभी ये न्यू बिल्डिंग बनी है हॉस्पिटल की। तो ये सिविलियन हॉस्पिटल है जी? सिविलियन, ठीक है, सरकारी तौर पर जी। तो ये जो बिल्डिंग है ये भी सरकारी तौर पर बनी थी? नहीं, ये मुकामी लोगों ने जो ये बिल्डिंग तामीर करके दी थी। तो यहीं पर जो आरजी चेकअप वगैरह होता था, छोटी मोटी बीमारी का इलाज होता था। अभी माशाल्लाह में मिले 24 बेड वाला हॉस्पिटल। ये पहाड़ जो है ये हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग थे वो उनके मुताबिक जो था इसका पुराना नाम परिस्तान था ना, तो ये इस जगह को कहते थे ये जिन्नात की जगह। इस एरिया में वो बहुत कम जाते थे, पहले आबादी भी कम हुआ करती थी और ये पूरा इलाका वीरान था। आज भी अगर आप चाहे गर्मियों का मौसम हो या सर्दियों का, ये पहाड़ जो है हमेशा धुंध में जो रहता है। ये धुंध की वजह भी यही होती है कि ये परी जिन्नात वगैरह ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ धुंध ज़्यादा होती है। इसका ये होता है कि वो शो नहीं होते, वो इंसानों की आँखों से दूर रहना पसंद करते हैं। तो ये पहाड़ जो है ये इस पे वैली के सबसे ज़्यादा जो जिन्नात की आबादी है वो इस तरफ है, इस पहाड़ की तरफ। अभी इसका नाम जो है वो शमसबरी है, लेकिन इसका पुराना नाम जो है वो परिस्तान था। परियों की जगह थी इस वजह से इसका पुराना नाम परिस्तान पड़ा था। एक बारात जा रही थी जो वहाँ चेंज हो गई थी, पत्थरों के बन गए थे। उन्हें ये नसीहत की गई थी जब आप पहाड़ से गुजरेंगे तो आपने पीछे नहीं देखना। उनमें से किसी एक बंदे ने पीछे देख लिया था जिसकी वजह से वो सब पत्थर के बन गए थे। अच्छा। और आज भी वो बुत पड़े हैं। पहले इधर डोगरा की हुकूमत थी, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये जो हिंदू लोग थे ये उनके बुत रह गए। चलने का रूल ये होता है कि जिसको जिसने लॉन्ग शूज़ पहने होंगे वो रास्ता देता है, जिसने शॉर्ट शूज़ पहने होंगे तो वो रास्ते पे चलता है। ठीक है, क्योंकि साइड पे बर्फ़ होती है, अगर शॉर्ट शूज़ वाला रास्ता देगा तो उसके पाँव में बर्फ़ चली जाएगी जिसकी वजह से उसके पाँव ठंडे हो जाएंगे जी। ये जो खेत आप देख रहे हैं ये नवाज़ शरीफ का खेत है। वो बेसिक मुकामी जो कश्मीर से माइग्रेट होके गए थे वो यहीं के रहने वाले थे। ये पूरा एरिया जो था वो उनका था, फिर वो जब चले गए 1992 में, फिर ये जगह जो है लोगों ने अपने नाम करवाई है, फिर लोगों ने इधर आके रहना शुरू कर दिया। उससे पहले ये पूरा इलाका नवाज़ शरीफ का था, यहीं से वो माइग्रेट होके गए, इसी एरिया में उनका घर था। यहाँ से माइग्रेट होके वो अमृतसर चले गए थे, फिर वहाँ से रायवें। और ये खेत भी उन्हीं के थे जी? ये वैली का सबसे बड़ा खेत है, ये भी उन्हीं का था। ये और भी हैं उनके छोटे छोटे, लेकिन ये वैली का सबसे बड़ा खेत है। ये वो हाइड्रो पावर प्लांट है जहाँ इंडिया की बमबारी हुई थी और इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और अभी ये बंद पड़ा है। आपको दिखाते हैं पास से। 1971 के बाद जब वो इंडियन आर्मी बॉर्डरों पे आ गई, उसके बाद उसने जब फायर शुरू किया, तो ये इधर सामने पीछे इंडिया है,
तो ये उनकी रेंज में वो आ गया, तो इसको उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से बाद में हमारी गवर्नमेंट को ये पावर हाउस जो है वो बंद करना पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा लगा रहता था हर वक्त बमबारी का। फिर जो है पावर हाउस वो तब्दील हो गया है, लेकिन अभी भी ये बंद पड़ा है। इसकी मशीनरी पाइप आप देख सकते हैं कि लगे हुए हैं। ये सामने देखें, ये जो छोटी सी नहर है ना, इसके तहत वो पीछे पहाड़ों से पानी आ रहा है, और फिर ये आगे नहर से पाइपों के ज़रिए इधर जो आगे इसके अंदर मशीनरी लगी हुई है उन तक, टर्बाइंस लगी हुई हैं उन तक ये पानी पहुंचाया जा रहा है, और फिर आगे उन टर्बाइन से बिजली पैदा होती थी। अब ये बंद पड़ा है। ये बिल्डिंग को जो है वो शेल्स ने है वो जो है मुतासर किया हुआ है। सरिया और लकड़ी और पत्थर सब कुछ टूट चुका है। अच्छा, ये यहाँ पर टर्बाइन लगी हुई है जी। ये बिल्कुल इसकी मशीनरी जो है वो अभी भी मौजूद है। दो टर्बाइन लगी हुई हैं जिससे यहाँ पर बिजली पैदा होती थी, लेकिन अभी तो देखें ये बिल्कुल बंद पड़ा है। ये आप सीलिंग की सुतियाल को देख सकते हैं, ये ऊपर जो शेल लगे उसकी वजह से छत को जो है काफी, आप देख सकते हैं कि किस तरह खराब किए हैं शेल्स ने। ये देखें, ये सारे जो हैं गोलियों के और शेल्स के ये सारे निशान हैं। तो इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये 5 गांव को बिजली फराहम कर सकता है। जिस तरह बिल्डिंग जो है वो अफेक्ट हुई है, इसी तरह ये देखें ये खाल भी जो है यहाँ पे भी बम लगा था, और ये भी ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। हम ये ऊपर आ गए। बेसिकली इस पाइप से पानी जो टरबाइन को जाता है, और ये जो खाल है इससे जो ओवरफ्लो पानी है जी, वो इस रास्ते से फिर नीचे चला जाता है आगे खेतों की तरफ। आज तक यहाँ पे बहुत ही कम ना होने के बराबर कोई टूरिस्ट आया है। एक ये पाइप के जरिए पानी आगे जाता है टरबाइन तक, और अब हम ना मजीद ऊपर जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये देख, हम ऊपर पहुंच चुके हैं। ये सामने पानी आ रहा है इस नहर से, ये पानी ऊपर ग्लेशियर से इस नहर के तहत इन पाइप्स तक आता है, फिर इन पाइप्स के ज़रिए इस तरह से जो पानी है ना वो आगे प्लांट तक जाता है। जी लिपा का पुराना नाम जो था वो करना था। जब यहाँ पे डोगरा हरी सिंह की गवर्नमेंट थी तो करना करण सिंह को विरासत में मिला था, हिस्से में मिला था। तो इसके तब तो कोई इसके 8-10 गांव थे, आज इसके कोई 32 गांव जो हैं वो लिपा में आते हैं जो पाकिस्तान के पास हैं, जिसमें तकरीबन 12-14 गांव जो हैं वो इंडिया में आते हैं इसके मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। इस तरफ जो 32 गांव आए इन्हें इनका नाम लिपा पड़ा, लेकिन जो उस तरफ कोई 12-14 गांव हैं उन उसका अभी भी नाम करना चल रहा है। पहले यहाँ हिंदू भी हुआ करते थे, लेकिन फिर ये 19वीं सदी के बाद फिर जब इस्लाम यहाँ पे आया तो अभी यहाँ की जो उस पार गांव हैं और इस पार गांव हैं तकरीबन यहाँ पे 100% मुस्लिम हैं, और 1% भी कोई एक घर भी किसी गैर मज़हब का नहीं है। तो ये रास्ता जाता था पहले श्रीनगर में।
अच्छा अच्छा ये साथ यहाँ से श्रीनगर तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पे है। तो यहाँ के लोग जो श्रीनगर में नमक जाता था वो यहीं लिपा से होके जाता था। नैली पुल से नैली के मुकाम से आगे नैली पे जब पहुँचता था तो लिपा वाले वहाँ से कैरी करते थे और इन पहाड़ों के दरमियान सेंटर से वो आगे सफ़र करते थे वो तकरीबन 1-2 दिन का। वो फिर श्रीनगर में जाके वहाँ सेल करते थे और पूरे श्रीनगर लद्दाख का जो नमक है वो यहीं से होके जाता था। बारामूला यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पे है। ये जो आपने शमसबरी का पहाड़ देखा है इसके पीछे ज़िला कपवाड़ा आता है। अच्छा। तो ज़िला कपवाड़ा के पीछे जो है वो श्रीनगर का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ पर है क्योंकि मोबाइल के सिग्नल नहीं आते, LOC एरिया है, तो ये PTCL की तार आप देख रहे हैं। फिर PTCL यहाँ पर इस्तेमाल होता है, तार वाला जो है नेटवर्क वो इस्तेमाल होता है। जी बर्फ़ानी तोदे गिरने के तो यहाँ पे कई वाक़ात हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा वाक़ा हुआ है वैली में वो तकरीबन हुआ है 1920 में। उसमें ये हुआ था कि यहाँ के लोग जो है वो नमक ले जा रहे थे। उस वक्त मेन इनकम लोगों की यही थी कि नमक की वो ट्रांसपोर्टेशन करते थे, तजारत करते थे। तो आजकल वो स्टॉक कर लेते थे लकड़ियों का, घास का, हर चीज़ का स्टॉक मौजूद होता था, तो वो फिर नमक को लेके जाते थे। तो हुआ यूँ कि जो पीछे मैंने आपको परिस्तान के बारे में बताया था, शमसबरी पहाड़ जो है उस पर जब क्रॉसिंग हो रही थी तो बर्फ़ानी तोदा आ गया, जिसकी जद में तकरीबन 250 लोग आ गए। 150 उनमें बच गए जो उन्हें बचाने के लिए गए। फिर दूसरा तोदा आया जिसमें वो भी बर्फ़ानी तोदे का शिकार हो गए। उनमें उस पूरे उस हादसे में एक बुज़ुर्ग बच्चे थे जो बुज़ुर्गी की वजह से स्लो चलते थे और पीछे चलते थे, उनके भी 2 बेटे शहीद हुए थे। ये हमारी वैली का सबसे बड़ा सानिया हुआ था 1920 में। छत पे कितनी ज़्यादा जो बर्फ़ है वो जमी हुई है।
साफ हो गया बिल्कुल, जिंदगी खत्म हो गई। ये जो हमने नहीं डाला शीशा, ये उसमें पत्थर था। ये यहाँ का मकामी रेड चावल जो है ये तैयार है। इस तरह से पत्थर और लकड़ी के मकान बनाए हुए हैं यहाँ पर, और एक बंकर ये यहाँ पर बना हुआ है। देखें, जब यहाँ पर गोलाबारी का ख़तरा होता है तो फिर यहाँ पर इस तरह के जो बंकर होते हैं उनमें रहा जाता है। ये देखिए आगे काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही है, काफ़ी आगे तक जाता है। ये देखें जी, ये कश्मीर का मशहूर चिनार का दरख्त है। ये देखें, चेक करें, ये पारा चिनार, इसी से तो नहीं नाम पड़ा जी, है ना? इसी से पड़ा, वहाँ पे चिनार है, ये चिनार का दरख्त है। ये चिनार के पत्ते, ये देखें अभी जो थोड़ी सी धूप लगी है उसकी वजह से ये थोड़ा पानी जो है ऊपर से पिघल के आ रहा है। ये देखें जी, यहाँ पर लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। ये लकड़ी को एक दूसरे के अंदर फंसा के जो है ना ये मकान बनाए गए हैं, और ये डिज़ाइनिंग की हुई है, और इस तरह ये लकड़ी की सीढ़ियाँ जो है ये जाती हैं। ये नीचे जो है ये मिट्टी से बना हुआ है, और इसके अंदर जो है जानवर रखते हैं, जबकि ये जो ऊपर वाली लकड़ी वाली बिल्डिंग है इसमें रिहाइश इख्तियार की जाती है। यहाँ पर चढ़ाई है, तो यहाँ मकामी लोगों ने ये देखिए रस्सी लगाई हुई है ताकि इसको पकड़ के ऊपर चढ़ा जा सके, इस तरह से जो है ना वो फिसलन नहीं होती। फिर अभी मौसम जो है ये देखें फिर से ख़राब हो रहा है। अभी यहाँ पर फिर से बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी है। ये सामने चक्की लगी हुई है आटा पीसने वाली। इस टाइम शाम हो चुकी है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी अभी हो रही है। पूरी वैली जो है वो इस टाइम बर्फ़ के अंदर छुप चुकी है। यहाँ घरों में इस तरह से ये देखें बंकर बनाए हुए हैं, क्योंकि जब यहाँ पर गोलाबारी का ख़तरा होता है तो फिर यहाँ ये देखें इस तरह से जो है ना बंकर बनाया हुआ है इस तरह से। यहाँ पर फिर जब ख़तरा होता है गोलाबारी का तो यहाँ पर फिर जो है ना सेफ्टी के लिए यहाँ पर रहते हैं।